हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में कृष्ण जन्माष्टमी अभी आने वाली है, तो महाराष्ट्र में घर घर में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो उसी में भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ मीठे में बनाया जाता है, कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं, कई तरह की डिश बनाए जाते हैं। उसमें से जैसे चकली, करंजी और अनार से है, तो मैंने चकली की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर की थी। तो चलिए आज हम उसी में से एक रेसिपी बनाते हैं जो कृष्ण भगवान के लिए चढ़ाया जाता है। तो आज हम अनार से बनाते हैं, तो मेरे साथ में चलिए मेरे किचन में फटाफट हम अनार से बनाते हैं। तो देखिए, मैंने 24 घंटे के लिए चावल को भिगो दिया था। ये एक कप चावल है। 15 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इन्हें हम अभी सूती के कपड़े में अच्छे से भिगो देंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो चलिए फटाफट अभी हम चावल का आटा बना लेते हैं। तो देखिए, हमारी चावल की आटा कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसे छलनी से अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे छान लिया है और जो ये ऊपर का बच जाता है, इसे भी हम एक बार अभी मिक्सर में लगा देंगे। तो देखिए, हमारे पूरे अभी अच्छे से चावल के आटे को छान के हो गया है। तो अभी हमने ये एक कप जैसे कि चावल डाला था, तो हमें 1/3 कप चीनी ऐड करना है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा चीनी का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। अब हम ये चीनी का भी अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो हमने जो चावल का आटा बना के रखा था, उसमें हम ये पाउडर शुगर को डाल देंगे और एक साथ में अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो एक बर्तन में इस तरह से एक साथ में करके इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से अगर बॉन्डिंग बनती है तो समझ लीजिए चीनी और आटा एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे दबा दबा के अच्छे से सेट करेंगे। तो इसे अब हम ढक देंगे और ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा के अच्छे से हम 2 दिन के लिए इसे इस तरह से ढक के रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सभी 2 से 3 दिन हो गए हैं, ये देखिए। अभी इसका हम थोड़ा थोड़ा करके डो लगा लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। तो देखिए, एक बार में ही ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, 4-5 बूंद पहले डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर हम पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें शक्कर है पिसी हुई, वो ज़्यादा गीली हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। अब मैंने टाइट सा बढ़िया सा डो लगा लिया है, ये देखिए। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक पॉलीथीन ले लेंगे और उस पर थोड़ा हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, थोड़ी देर में ये इस तरह से हो जाती है। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा इस तरह से गोले लेंगे और हाथ से ऐसे करके इसे स्टिक के ऊपर इस तरह से दबा दबा के गोल शेप दे देंगे अनारसे का। ये इतना ही मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतले नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं। ऊपर से हम थोड़े से अभी इसके ऊपर ये खसखस डाल देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे और अभी इसको फ्राई कर देंगे। तो चलिए, हम अनारसों को फ्राई करना शुरू करते हैं। पर ध्यान रखिए, टेम्परेचर लो ही हो, हाई टेम्परेचर पे अनारसे बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे। हम आराम से धीरे धीरे से ही फ्राई करेंगे। हल्के हाथों से हम साइड को चेंज कर देंगे। हमको इस तरह से छलनी लगा कर नीचे में कटोरा रखिए और छलनी के ऊपर रखिए, क्योंकि अनारसे काफ़ी तेल अब्जॉर्ब करता है। अगर आप उस तरह से रखेंगे तो सारा तेल धीरे धीरे से अनारसे के अंदर नीचे गिर जाएगा। रेडी हो गए हैं, तो इस तरह से हम अभी इसे छन्नी के ऊपर रख के थोड़ा सा ऑयल सोक कर लेते हैं। तो अभी हम सेकंड अनारसे भी इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो देखिए, इसे हम इस तरह से रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सारे अनारसे इस तरह से एक एक करके फ्राई कर लेंगे। सारे अनारसे हमारे रेडी हो गए हैं, इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अनारसी बनकर रेडी है। तो मैं पास में दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अनारसी बने हैं और क्रिस्पी भी उतने ही बने हैं। तो मैं एक तोड़ के भी आप सभी को दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम एक तोड़ते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से बनी है और क्रिस्पी भी देखिए। ये देखिए हमारी अनारसी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।